हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। माय वेंजेंस बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए आम का लच्छा वाला अचार लेकर के आई हूँ। ये अचार बहुत ही मज़ेदार होती है और सबसे बड़ी बात, ये इंस्टेंट अचार होती है और इसको भी आप स्टोर करके साल से ज़्यादा तक रख सकते हैं और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाती है। तो जब मर्जी बनाइए और खाइए। और भी मैंने अचार की रेसिपी डाली है, जैसे ये आम की खट्टी मीठी वाली अचार है, बहुत ही लाजवाब होती है, ज़रूर बनाइएगा। आम की खट्टी वाली अचार की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, ये भी बहुत अच्छी होती है। और अगर आप अचार बहुत पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हर चीज़ का आप अचार बनाएं और एक कॉमन सा मसाला बनाकर रख लें, तो सारे अचार बनाने बहुत ईजी हो जाते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, इससे आप बहुत तरह के अचार बना सकते हैं और बहुत सारी और भी रेसिपी बना सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लेना। तो ये देखिए, आम का लच्छा वाला अचार बनाने के लिए मैंने 1 kg आम ले लिया है और इसको अच्छे से धो करके मैंने साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसको छील लेना है और छीलने से पहले ये जो अपर पार्ट होता है, ये इसको अच्छे से आप हटा दीजिए, उसके बाद ही इसको छीलना है। तो ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद इसको अच्छे से छील लेना है। स्किन में जो भी ग्रीन पार्ट वगैरह रहता है, वो हमें अच्छे से निकाल लेना है, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ जो टेस्ट है वो कड़वा सा आएगा। देखिए यहाँ जो हल्का सा ग्रीन रह गया है ना, उसको बिल्कुल आप हटा लीजिए। और इसको अच्छे से जब हटा लेंगे तो इसके बाद इसको आप ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लीजिए अच्छे से। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने सारे आम को ग्रेट करके रख लिया है। जब आप ग्रेट करेंगे तो थोड़ा सा ये आम का जो रस होता है, जो जूस होता है, वो भी आ जाएगा, तो उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें नमक ऐड कर लेना है, उसके बाद हल्दी आप ऐड कर लीजिए। तो नमक और हल्दी हम सबसे पहले इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके मसाले तैयार करने के लिए आपको क्या क्या मसाला चाहिए वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, सरसों लिया है मैंने 1 छोटे चम्मच है, और ये जीरा 1/2 छोटे चम्मच है, और यहाँ पे धनिया लिया है 1 छोटे चम्मच से, थोड़ा सा कम है ये। इन सबको आपको ड्राई रोस्ट करना है। इसके अलावा और भी क्या ड्राई रोस्ट होगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सौंफ लिया है 1 बड़े चम्मच ले लिया है। पूरे को ड्राई रोस्ट कर लीजिए और हाफ आपको ग्राइंड करने में डालना है और हाफ आपको छोड़ देना है। ऐसे ही आपको हाफ मेथी को भी पूरा ड्राई रोस्ट करना है, हाफ ग्राइंड करने में डालना है और हाफ को साबुत रखना है। उसके बाद 1 चम्मच नमक लिया है, 1 चम्मच हल्दी ले लिया है, 1/2 छोटे चम्मच गरम मसाला ले लिया है। तो अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाले को भी ड्राई रोस्ट करके और उसको ग्राइंड कर सकते हैं या फिर पीसा हुआ ले सकते हैं। यहाँ पे अजवाइन मैंने लिया है 1/2 छोटे चम्मच और 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी ले लिया है। तो अब जो ग्राइंड करना है उसको मैं दिखा देती हूँ। इन सारे को रोस्ट करना है, ग्राइंड करना है। सिर्फ सौंफ और जो मेथी है उसमें से आधा आधा ग्राइंड करने में डालिए और आधे को वैसे ही रख लीजिए, साबुत ही मिलाना है। उसके बाद जो ग्राइंड पाउडर आएगा उसमें ये नमक, हल्दी, गरम मसाला, अजवाइन और कलौंजी डाल लेना है, और आधा जो रोस्ट किया हुआ सौंफ है और आधा जो रोस्ट किया हुआ मेथी है, उन सबको डाल करके हमें एक अच्छा सा अचार का मसाला तैयार कर लेना है। तो अब हम ये इसमें कश्मीरी रेड चिली डाल लेना है। मसाले में हमने नहीं डाला था, डायरेक्ट ऐड करने से कलर बहुत अच्छा आता है। तो कभी भी कश्मीरी रेड चिली आपको डालना है तो डायरेक्ट डालिए। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा अजवाइन मैं यहाँ पे और ऐड कर रही हूँ, 1 छोटे चम्मच है, ये एक्स्ट्रा अजवाइन मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ये जो कूट करके पीस करके मसाला तैयार हो चुका है, तो इस मसाले को थोड़ा थोड़ा करके आपको मिला लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं 1/2 से थोड़ा ज़्यादा मसाला ऐड करूँगी। उसके बाद फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जब सारे में मिक्स हो जाए तो फिर से वापस हम थोड़ा सा अचार का मसाला ऐड करेंगे और वापस से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करते जाइए तो अचार में अच्छे से आपका सारा मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मसाला हो जाएगा, कहीं कम हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करते जाना है। तो ये सारा कुछ मैंने मिक्स कर लिया यहाँ पर। तो अब बारी आती है कि इसमें हम तेल कैसे डालेंगे। तो इसका जो तेल होता है वो बिल्कुल गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 150 ग्राम के करीब मैंने तेल ले लिया है, सरसों का तेल है, और इसमें 1 छोटे चम्मच आपको हींग डाल लेना है। और यहाँ पे जो है ये रतन जोत है, मिल जाए तो ज़रूर डालिए, इससे अचार में बहुत अच्छा कलर आ जाता है।
तो ये देखिए इसको मैंने डाल लिया है और इसको मैं गैस पे रख के इसको अच्छे से उबाल लूँगी। और ये तेल अभी गर्म ही है, इसमें तेल ठंडा करके नहीं डालना है, इसमें तेल गर्म गर्म ही डालना है। तो रतनजोत और हींग जो है, अगर वैसे अचार बनाती मैं जो नॉर्मल जो दूसरा अचार होता है तो उसमें आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, बट इसमें मैं छान के डाल रही हूँ क्योंकि ये जो अचार है वो लच्छा वाला है तो ये इसमें मिक्स हो जाएगा और बाकी अचार में ये आपके मुँह में नहीं आता है या तेल में पड़ा रहता है, तो उसमें आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक चम्मच के करीब मैं यहाँ पे गुड़ ऐड कर रही हूँ। ये जो बहुत खट्टा होता है आम उसको बैलेंस कर देगा और एक बहुत ही मज़ेदार सा स्वाद आपको देने वाला है। तो यहाँ पे गुड़ ज़रूर ऐड कीजिए, इससे कलर से और स्वाद दोनों ही बहुत मज़ेदार आने वाला है। तो ये तेल थोड़ा थोड़ा डाल के आपको 150 ग्राम के करीब तेल इसमें डाल लेना है और गुड़ डाल के इसको अच्छे से मिला लेना है। तो बाकी का भी तेल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये ध्यान रखिएगा कि तेल बिल्कुल गर्म गर्म ही हो, तभी आप इस अचार को इंस्टेंट खा सकते हैं और तभी आप इस अचार को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो ये अचार है ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके से अचार को ढक करके लगभग 2 दिन तक आप इसको छोड़ दीजिए और 2 दिन बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अचार कैसा दिख रहा है। और ये देखिए लाजवाब सा मज़ेदार सा हमारा अचार बन के तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार है। कुछ प्रिकॉशंस आपको रखने हैं कि जो 2 दिन आपने छोड़ा है उसमें बिल्कुल नीचे से ऊपर तक इसको अच्छे से चलाते हुए इसको रखना है। दूसरी चीज़, जब भी आप अचार निकालेंगे तो क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है वो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज़ आप किसी अचार को सालों साल स्टोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि जब भी जिस चीज़ से भी आप अचार निकालते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी और ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, किसी भी मर्तबान से अगर आप अचार निकालते हैं तो उसके ऊपर जैसे इस बाउल में आप देख रहे हैं उस तरीके से अचार का तेल या मसाला लग जाता है, तो उसको आप क्या करिए कि उसको टिश्यू पेपर या कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। तीसरी बात, महीने में एक बार या 15-20 दिन में एक बार अचार को बिल्कुल नीचे से ऊपर तक चला दीजिए। ये सारे प्रिकॉशंस आप सारे अचार के साथ ले सकते हैं। और जिस बर्तन में आप स्टोर कर रहे हैं कोशिश करिए वो प्लास्टिक का ना हो और उसको अच्छे से धो करके सुखा लीजिए, फिर थोड़ा सा उसमें हींग और गर्म सरसों तेल डाल करके पूरे पे एक लेयर सा बना लीजिए, फिर उसमें अचार आपको डालना है। बाकी के अचार के रेसिपी में मैंने ये प्रोसेस करके दिखाया है तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अचार बनाएंगे तो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो बनाइए इस अचार को और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय।